नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम टॉप फाइव स्पोर्ट्स न्यूज ऑफ द डे में। जी हाँ, पांच बड़ी खबरों के साथ मैं अभिलाष एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। दरअसल आपको बता दें कि कल से भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे की शुरुआत करने वाली है। भारत पहले तीन टी20 मैचों की सीरीज खेलेगा, इसके बाद चार टेस्ट मैचेस होंगे और फिर तीन वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी। इसे लेकर क्या तैयारियां हैं भारत की, क्या प्लेइंग 11 होने वाली है, ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही युवराज सिंह से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। दरअसल युवराज को किंग्स इलेवन पंजाब ने अपनी फ्रेंचाइजी से रिलीज कर दिया है, अपनी टीम से रिलीज कर दिया है। अब युवराज के आईपीएल करियर खत्म होने की खबरें आ रही हैं, लेकिन युवराज के फैंस के लिए हम अच्छी खबर लाए हैं। दरअसल युवराज सिंह ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके टैलेंट पर कोई शक नहीं है, ये बात अलग है। युवराज फॉर्म में नहीं है, लेकिन अगर वो फॉर्म में हो और लय में हो तो अपने बल्ले से ताबड़तोड़ रन बना सकते हैं। भाई युवराज को वर्ल्ड कप भी तो खेलना है, अगर वर्ल्ड कप युवराज को खेलना है तो युवराज को आईपीएल खेलना होगा, आईपीएल में किसी टीम को उनको चुनना होगा। अब कौन सी वो टीमें हैं जो युवराज को चुन सकती हैं, इस पर भी आपको बताएंगे। दरअसल भारतीय टीम में युवराज सिंह की वापसी थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन अगर आईपीएल में युवराज खेलते हैं और परफॉर्म करते हैं तो शायद युवराज बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये भी हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी तीन टीमें हैं जो युवराज को जो है वो टीम में रखेंगी और शायद युवराज उनके लिए बेहतर कर सकते हैं, और क्या ऑस्ट्रेलिया दौरे को लेकर भारत की तैयारी है, देख लीजिए आप हमारी इस खास रिपोर्ट में। साल 2019 में शुरू होने वाले आईपीएल के लिए खिलाड़ियों को रिलीज करने या रिटेन करने के अलावा ट्रांसफर करने की समय अवधि भी पूरी हो गई है। कई बड़े खिलाड़ियों को इस बार टीमों ने रिलीज कर दिया। युवराज और गौतम गंभीर इसमें प्रमुख हैं। युवराज को किंग्स इलेवन पंजाब ने रिलीज या रिटेन करने की सूची के आखिरी दिन टीम से बाहर कर दिया। इसके साथ कयास लगाए जाने लगे हैं कि उनका आईपीएल सफर अब समाप्त होने वाला है। इसके अलावा वो घरेलू क्रिकेट में भी किसी प्रकार के टूर्नामेंट में नहीं खेल रहे हैं। युवराज को हाल ही में फिटनेस के नाम करते हुए जिम में देखा गया और उन्होंने खेलने के लिए ऐसा करने की ठानी थी। कुछ आईपीएल टीमें ऐसी हैं जिनके अनुभवी खिलाड़ी बाहर हैं, इसलिए अगली नीलामी में उनके पास युवराज को खरीदने का अवसर होगा। हम उन तीन टीमों के बारे में इस खास रिपोर्ट में आपको बताएंगे जो युवराज सिंह को अगले आईपीएल के लिए अपनी टीम के साथ जोड़ सकती हैं। हालांकि चीजें फाइनल नीलामी के दौरान ही होंगी, लेकिन हम एक विश्लेषण के जरिए आपको बता सकते हैं। दरअसल दिल्ली डेयरडेविल्स ने अपने अनुभवी खिलाड़ी और पूर्व कप्तान गंभीर को रिलीज कर दिया है। इसके बाद उनके पास कोई सीनियर खिलाड़ी नहीं बचता। दिल्ली की टीम युवराज को खरीदकर टीम को मजबूती प्रदान कर सकती है। हालांकि यूवी फिलहाल फॉर्म में नहीं है, लेकिन उनकी क्षमता पर किसी को शक नहीं है। दिल्ली डेयरडेविल्स के पास एक भी ऑलराउंडर का विकल्प खुला रहेगा और युवा जोश के साथ अनुभव का मिश्रण करते हुए वो आईपीएल में टीम को मैदान में उतार सकते हैं। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद भी युवराज में इंटरेस्टेड ले सकती है। हैदराबाद की टीम पिछले सीजन फाइनल तक पहुंच चुकी थी, इस बार उनके अनुभवी और ताबड़तोड़ खिलाड़ी वार्नर वापस आ चुके हैं। टीम में विलियमसन भी है, लेकिन अहम चीज ये है कि धवन उनकी टीम से जा चुके हैं। इसके अलावा मनीष पांडे को भी रिलीज कर दिया गया है। इन दो अहम खिलाड़ियों के जाने पर एक अनुभवी खिलाड़ी को वापस लाने की जरूरत देखी जा सकती है। युवराज इस कमी को पूरा कर सकते हैं, इससे पहले भी यूवी हैदराबाद के लिए खेल चुके हैं। आपको बता दें कि स्वेरिस में तीसरी टीम आरसीबी है जो युवराज को ले सकती है। युवराज आरसीबी के लिए एक सीजन खेल चुके हैं और युवराज का आरसीबी के लिए रिकॉर्ड बाकी टीमों के मुकाबले बेहतर है। दरअसल आरसीबी भी अपने लगभग बड़े खिलाड़ियों को रिलीज कर चुकी है। ब्रेंडन मैकुलम, क्विंटन डिकॉक टीम से जा चुके हैं। आरसीबी के पास हमेशा ऑलराउंडर्स और अच्छे बल्लेबाजों की कमी रही है। ऐसे में युवराज अगर टीम में शामिल होते हैं तो आरसीबी की टीम यहां पर मिडिल ऑर्डर में मजबूत हो सकती है, और अगर आरसीबी की टीम युवराज को लेती है तो इस बात में कोई शक नहीं है कि विराट के साथ युवराज की जुगलबंदी काफी काम आ सकती है आरसीबी के लिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि आईपीएल में युवराज किस टीम से खेलेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज का आगाज 21 नवंबर से होना है, जहां पर इस सीरीज का प्रबल दावेदार टीम इंडिया को माना जा रहा है। वहीं अब ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरन फिंच ने एक बड़ा बयान दिया है। जी हां, फिंच ने कहा कि हमारी टीम का प्रदर्शन जरूर पास्ट में खराब रहा है, लेकिन इस बार हम भारत के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे पास कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने दम पर मैच जिताऊ पारी खेल सकते हैं, और कई ऐसे गेंदबाज भी हैं जो भारत के खिलाफ बेहतरीन गेंदबाजी कर विकेट भी चटका सकते हैं। ऐसे में भारत के खिलाफ सीरीज जरूर आसान नहीं है, लेकिन हमारे खिलाड़ियों के हौसले बुलंद हैं, और अगर हम अपने हौसलों के हिसाब से खेले और बेहतरीन प्रदर्शन करने में कामयाब रहे हैं तो हम भारत को तीनों ही फॉर्मेट में हरा सकते हैं। विंच ने कहा कि विश्व कप से पहले ये काफी अहम दौरा है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम यहाँ बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करें। खैर, फिंच की बातों से तो यही लग रहा था कि वो इस बार टीम इंडिया को टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं टीम इंडिया के पास मौका है इंग्लैंड में मिली शर्मनाक हार का पूरी तरह से हिसाब अब ऑस्ट्रेलिया से लेने का। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री ने कहा है कि मेजबान ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाली सीमित ओवरों की सीरीज में टीम को अपने हरफनमौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या की कमी खलेगी। बता दें कि हार्दिक यूएई में हुए एशिया कप के दौरान चोटिल हो गए थे और तभी से वो टीम से बाहर चल रहे हैं।
हार्दिक के होने से टीम को संतुलन मिलता है और वो एक अतिरिक्त गेंदबाज की कमी भी पूरी करते हैं। भारत को 21 नवंबर को यहां 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच खेलना है। भारतीय कोच ने ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद आयोजित टीम की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम बातें की और उन्होंने ये भी माना कि टेस्ट क्रिकेट में हाल ही में टीम ने कई बड़े मौकों को गंवाया। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहुंची भारतीय टीम के मुख्य कोच शास्त्री ने दौरे के अपने पहले संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हमें खिलाड़ी की कमी खलेगी और वो है हार्दिक पांड्या, जो चोटिल है। वो गेंदबाज और बल्लेबाज के रूप में टीम को संतुलन प्रदान करते हैं, जिसके कारण हम अतिरिक्त गेंदबाज को खिला सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वो जल्द फिट हो जाएंगे। अगर तेज गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया तो हमें उनकी कमी नहीं महसूस होगी। क्या ये भारतीय गेंदबाजों के पास सर्वश्रेष्ठ मौका है? इस पर शास्त्री ने कहा कि इस पर निर्भर करेगा कि वो लंबे समय तक दमखम बनाए रखते हैं या नहीं। कोच ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका में अगर आप टेस्ट मैचों को देखें तो नतीजा आपको असली कहानी बयां नहीं करता। अब देखना दिलचस्प होगा कि शास्त्री का ये बयान क्या टीम इंडिया को मोटिवेट करने के काम आता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज 21 नवंबर से शुरू होने जा रही है, जहां पर टीम इंडिया पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही है। बड़ी बात यह है कि इंग्लैंड में मिली हार के बाद अब भारत के पास साबित करने का मौका है कि वो विदेशों में जीत दर्ज कर सकते हैं। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया सबसे आइडियल टीम मानी जा रही है, क्योंकि बॉल टैंपरिंग विवाद से स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर के बैन लगने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम के परफॉर्मेंस में गिरावट आई है और इस बार टीम इंडिया को पूरी तरह से मौका मिला है कि वो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा पाए। खैर, आपको बता दें कि T20 सीरीज से ठीक पहले कप्तान दक्षिण अफ्रीका के फाफ डुप्लेसी ने बयान दिया था कि भारत के कप्तान विराट कोहली को ऑस्ट्रेलिया छेड़ने की गलती ना करे, वरना उनका परफॉर्मेंस और बेहतर हो जाएगा। वहीं अब इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने भी बड़ा बयान दिया है। जी हां, खबरों की माने तो जो रूट ने कहा कि विराट कोहली उन चुनिंदा क्रिकेटर्स में से एक हैं जिनको ऑस्ट्रेलियाई टीम रास आती है, और अगर ऑस्ट्रेलियाई टीम स्लेजिंग से विराट को दबाने की कोशिश करेगी तो विराट के परफॉर्मेंस में और निखार आएगा। यानी कि अगर विराट कोहली को रोकना है तो उन्हें आप बिल्कुल मत छेड़िए, क्योंकि अगर आप विराट को छेड़ेंगे तो विराट आपके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा रन बनाएंगे। यानी अब देखना दिलचस्प होगा कि जो रूट की चेतावनी की ऑस्ट्रेलियाई टीम समझ पाती है। ऑस्ट्रेलिया टीम ने मैदान पर नरम रवैया दिखाकर अपने पुराने रुख में बदलाव किया है, लेकिन भारत के मुख्य कोच रवि शास्त्री ने कहा कि इंग्लैंड का नतीजा क्या होगा ये क्रिकेट का स्तर तय करेगा। ऑस्ट्रेलियाई टीम पिछले कई सालों से आक्रामक क्रिकेट खेलती आई है, जिसमें छींटाखशी भी शामिल रहती है। इस साल केप टाउन में गेंद से छेड़छाड़ प्रकरण में स्टीव स्मिथ और वार्नर पर प्रतिबंध के बाद इस रवैये में बदलाव आया है। आलोचकों ने इस घटना के लिए किसी भी कीमत पर जीत दर्ज करने की मानसिकता को जिम्मेदार ठहराया था। शास्त्री ने रविवार को दौरे की अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अंत में आपका क्रिकेट बोलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ग्लेन मैकग्रा या शेन वॉन कुछ कहते हैं या नहीं, वो इसके बावजूद विकेट हासिल करते हैं। उन्होंने कहा कि ये सामान्य सी बात है, आप जिस चीज़ में अच्छे हो वो काम कर रहे हो और लगातार कर रहे हो तो ये मायने नहीं रखता कि आप किस टीम की ओर से खेल रहे हो। वो क्रिकेटर अच्छा प्रदर्शन करेगा और उसकी टीम भी। कप्तान विराट ने भी दौरे पर रवाना होने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि प्रदर्शन करने के लिए उन्हें अपनी क्षमताओं पर भरोसा है और वो अपना उत्साह बढ़ाने के लिए बेकार की शाब्दिक जंग पर निर्भर नहीं है। कोहली ने अपने चित परिचित आक्रामक अंदाज के बारे में पूछे जाने पर शास्त्री ने कहा कि कोहली पेशेवर खिलाड़ी हैं और परिपक्व हो चुके हैं। आप 4 साल पहले उसे देखेंगे तो उसके बाद से वो दुनिया भर में खेला है और टीम की कप्तानी की है, और इस अकेली चीज से ही आपके अंदर जिम्मेदारी आ जाती है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम 21 नवंबर से अपने अभियान की शुरुआत कर रही है। बता दें आपको कि इस बार ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम इंडिया की जीत की संभावनाएं ज्यादा बताई जा रही हैं। बता दें आपको कि डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ का ऑस्ट्रेलियाई टीम में ना रहना असर डाल सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का परफॉर्मेंस बॉल टैंपरिंग विवाद के बाद से काफी गिरा है, चाहे वो घर की बात हो या फिर बाहर की बात हो। वहीं टीम इंडिया की बात की जाए तो टीम इंडिया वेस्टइंडीज को 3-0 से T20 सीरीज में हराकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज से ठीक पहले टीम के उपकप्तान रोहित शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। जी हां, हिटमैन ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना एक बहुत सुखद अनुभव होता है। हम सभी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया अपनी होम कंडीशंस में काफी ज्यादा खतरनाक टीम होती है, लेकिन इस बार टीम इंडिया भी पूरी तरह से तैयार है। रोहित ने यह भी कहा कि उनकी टीम इतना मादा रखती है कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा सकती है। रोहित ने यह भी कहा कि मुझे ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पसंद हैं और अगर ऑस्ट्रेलिया की पिचों में बाउंस मिलेगा तो मुझे और मजा आएगा, क्योंकि मैं बचपन से ऐसी पिचों पे ही पला बड़ा हूँ तो मुझे ऑस्ट्रेलिया की पिचेस काफी रास आती है। यानी कि पूरी तरह से रोहित शर्मा ने इशारा कर दिया कि ऑस्ट्रेलियाई टीम को वो बुरी तरह से धोने आए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि 21 नवंबर से शुरू होने वाली सीरीज में भारतीय टीम की कितनी तैयारियां हैं। उत्तराखंड के दीपक धपोला ने रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप के में 2 मैच में ही 21 विकेट ले लिए हैं। उन्होंने 4 में से 3 पारियों में 5 या उससे अधिक
विकेट लिए, वो इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों में शीर्ष पर हैं। दीपक पहली बार रणजी ट्रॉफी में खेल रहे हैं, उनका शानदार खेल के दम पर उत्तराखंड अपने शुरुआती दोनों मैच जीतकर अंक तालिका में सिक्किम के साथ संयुक्त रूप से टॉप पर है। उत्तराखंड ने अपने पहले मैच में बिहार को 10 विकेट से हराया, इस मैच में दीपक ने 9 विकेट लिए। मणिपुर के खिलाफ दूसरे मैच में भी दीपक ने शानदार प्रदर्शन किया, दाएं हाथ के इस गेंदबाज ने दूसरे मैच में 12 विकेट लिए। उन्होंने लगातार 3 पारियों में 5 या उससे ज्यादा विकेट लिए। इससे पहले दीपक ने विजय हजारे ट्रॉफी में 8 मैचों में 14 विकेट लिए थे। दीपक 9 साल पहले गृहनगर बागेश्वर छोड़कर दिल्ली आए थे, उन्होंने राजकुमार शर्मा कोचिंग लेनी शुरू की। राजकुमार भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली के भी कोच हैं। दीपक ने 2017-2018 में रणजी ट्रॉफी कैंप भी किया लेकिन टीम में नहीं चुने गए। इसके बाद वो राजकुमार की सलाह पर उत्तराखंड की ओर से खेलने लगे। उत्तराखंड को इस बार पहली बार रणजी ट्रॉफी में भाग लेने का मौका मिला और दीपक टीम में जगह बनाने में सफल रहे। तो देखा आपने, आज की 5 बड़ी खबरों से हमने आपको रूबरू कराया। आप देखना दिलचस्प होगा कि युवराज को कौन सी टीम हायर करती है और भारत ऑस्ट्रेलिया में कैसा धमाल मचाती है। फिलहाल हमें दे दीजिए इजाजत, और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।